तो डायबिटीज में आपने मिठाई विठाई इतनी खाई है, अब उसका कुछ तो हिसाब चुकता करना पड़ेगा आपको। थोड़ा मुस्कुरा लो, कोई बात नहीं, इसका इलाज भी कर देते हैं। देखो मैं पहले तो बता दूं आपको कि मैं वैद्य नहीं हूं, हकीम नहीं हूं, डॉक्टर और चिकित्सक नहीं हूं, लेकिन जो आपकी ऊर्जाएं हैं उन ऊर्जाओं के वर्तुलों का थोड़ा सा मुझे अनुभव है, जानकारी है उसके आधार पर। और बहुत सारे आयुर्वेदाचार्य के साथ मेरा संबंध रहा है, योगियों से, सिद्धों से और ऐसे लोगों से जो इन कामों में प्रैक्टिस करते हैं। जिन लोगों को भी डायबिटीज है या शुगर से संबंधित कोई लक्षण है या बीमारी हो गई है, वो जैसे 2 किलो चना ब्लैक ग्राम, 2 किलो बार्ले यानी कि जौ जो पूजा में इस्तेमाल होते हैं, जो इनके छिलके के वाले जौ, और 2-1 किलो गेहूं यानी व्हीट, व्हीट बार्ले एंड ब्लैक ग्राम, तीनों को समान मात्रा में लें, अच्छे से घर में धोएं, साफ करें, फिर धूप में अच्छे से सुखा लें, और ये जो 6 किलो है इन तीनों को मिला करके पिसवा लें कहीं। पिसवा करके जो आटा बनेगा उस आटे को अपने घर में रखें, उसे तवे पर भूने ताजा ताजा, जैसे 4 रोटी बनानी है, 4 रोटी के बराबर का आटा भूने, भून करके फिर उसे गूंथें और फिर उसकी रोटी बनाएं। थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत मेहनत वाला काम भी है, लेकिन बिस्कुट जैसी रोटी बनेगी, काले काले से रंग की ग्रे ग्रे कलर की रोटियां बनेंगी, खाने में देखने में अच्छी नहीं लगेंगी, खाने में स्वाद होंगी और बहुत फ्रजाइल होंगी, बहुत नाजुक और क्रिस्पी होंगी, और उन्हें खाने के बाद आप अगर 4 रोटी भी खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कुछ खाया है, एकदम पेट हल्का रहेगा, कोई भारीपन नहीं, कोई आलस्य नहीं, कुछ नहीं, ना आपको कब्ज रहने वाली है, ना आपको कोई परेशानी रहने वाली है। इसमें अपना कोई दिमाग ना लगाएं, 7 अनाज ना घुसेड़ दें, इसमें कोई 5 अनाज ना मिला दें, बाजार में जाके बने बने पैकेट ना खरीदने लगें, मतलब इसमें जैसे मैंने बताया है अक्षरंस करना होगा, एज इट इज वैसा ही, या तो नहीं या जैसे मैं बता रहा हूं वैसे, इसके अलावा कोई इसमें विकल्प नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, 2 किलो गेहूं, 2 किलो बार्ले, 2 किलो ब्लैक ग्राम, तीनों को मिलाइए, पिसवाइए, उसको भूनिए, उसकी रोटी बनाइए, खाइए। नारायण हरि, शुगर घर से गायब। आर्याम अभयाम भज रे रे चित सन जय रे।